ओके गुड आफ्टरनून एवरीवन सर गुड आफ्टरनून बेटा गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए आज हम लोग इससे पहले की क्लासेस में हमने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन वो सीखा था उससे रिलेटेड पॉइंट भी डिस्कस किए गए थे। चलिए आज उससे फर्दर पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ओके अभी करना क्या है जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया जाता है फिल इन द ब्लैंक्स वन इज डन मतलब ऐसा करके क्वेश्चन आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स। कभी कभी आपका नंबर्स में जो पॉइंट आपका हम लार्ज नंबर यानी नंबर सिस्टम से रिलेटेड पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं उसमें कुछ पॉइंट होते हैं जैसे कभी कभी स्टेटमेंट होता है फिल इन द ब्लैंक्स क्या क्या हो सकता है ऐसे होता है 1000 इसमें राइट करना हो सकता है 1000 मोर देन स्मॉलेस्ट 5 digit number स्मॉलेस्ट 5 digit number। अब आप क्या राइट करोगे यहाँ पे अब बेटा जी इसके लिए स्टेटमेंट जैसे ब्लैंक ये स्टेटमेंट था इसके लिए आपको फिल करना है इस ब्लैंक स्पेस मान लीजिए इसके आगे दिया गया है अब इस ब्लैंक स्पेस को फिल करना है आपको यहाँ पे ऐसे ब्लैंक स्पेस दे दिया गया है। अब ब्लैंक स्पेस को फिल करोगे कैसे क्या करेंगे 1000 मोर देन स्मॉलेस्ट 5 digit number ऐसे क्या राइट कर देंगे भाई सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए स्मॉलेस्ट 5 digit number क्या होता है उसमें क्या करना 1000 मोर करना है क्या करना है 1000 मोर यानी प्लस करना मोर मीन्स क्या होता है अधिक उसमें और लगा देना है तो लगा देने का मतलब प्लस करना है ऐड करना उसमें अगर बात करते हैं लेस की तो उसका मतलब सब्ट्रैक्ट करना होता है लेस मीन्स क्या होता है सब्ट्रैक्ट करना। ओके आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा। यस सर पहले हम क्या करेंगे स्मॉलेस्ट 5 digit number की बात करते हैं और जब भी स्मॉलेस्ट एनी डिजिट नंबर की बात करना हो तो वन देन आफ्टर लेस देन 10 यानी सॉरी लेस देन नंबर ऑफ डिजिट रिक्वायर्ड टू 10 यानी क्या करते हैं जितने नंबर ऑफ डिजिट रिक्वायर्ड होते हैं उससे 1 less 0 होता है यानी कि मतलब हमें 5 digit का स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है तो 1 then after 40 means 10000 क्या हो जाएगा 10000 इज द स्मॉलेस्ट 5 digit number बेटर जो स्मॉलेस्ट 5 digit और एनी डिजिट नंबर आपको करना बताया गया है इससे पहले की क्लास में। ओके यहाँ पे स्मॉलेस्ट 5 digit number क्या हो जाएगा 10000। अब बात करनी है बेटा जी इसमें करना क्या है 1000 मोर करना है मोर मीन्स प्लस कर देना इसमें तो इसमें प्लस करना है तो आप राइट करोगे 10000 प्लस 1000 अभी क्या आएगा टोटल 11000 एड करने पर क्या आ जाएगा किसके इक्वल 11000 यानी वहां पे फिर क्या करेंगे 11000 आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यस सर कभी कभी आप देखिए चलिए इससे से रिलेटेड और भी पॉइंट्स होते हैं उनको भी ऐसे ही डिस्कस करेंगे। लेट्स से ऐसे पॉइंट दे दिया गया बी नंबर 999 लेस देन ग्रेटेस्ट 4 digit number बेटा जी ग्रेटेस्ट 4 digit number की बात करना है इससे हमें क्या करना है इसको लेस करना है 999 इसमें से। ओके 999 लेस देन ग्रेटेस्ट 4 digit number चलिए अब करोगे क्या ग्रेटेस्ट 4 digit number की बात आ गई है तो क्या होता है भाई ग्रेटेस्ट 4 digit number राइट करेंगे तो आप राइट क्या करोगे आप राइट करोगे सबसे पहले ग्रेटेस्ट की बात करना तो 4 times 9 कितने टाइम 9 4 times 9 ये ग्रेटेस्ट 4 digit number हो गया। अब आप क्या करोगे इसमें से लेस करना है मतलब लेस में क्या होता है सब्ट्रैक्ट मैंने बताया ना लैंग्वेज क्लियर रखना मोर की बात करता है इसमें ऐड करना है और लेस कर रहा है तो इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करना है लेस मीन्स कितना लेस करना है इसमें से 999 तो लेस कर दीजिए यानी आप क्या करेंगे 9999 में से माइनस करेंगे 999
माइनस करने पे क्या आएगा, नाइन में नाइन सब्ट्रैक्ट करते हैं जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, और ये नाइन माइनस नथिंग टू मीन जीरो, तो नाइन एग्जैक्टली 9000 आंसर आएगा। क्या आएगा आंसर, अगर यहाँ पे ब्लैंक स्पेस होता है करते ब्लैंक स्पेस यहाँ पे फिल करते हैं 9000, ऐसे यहाँ ब्लैंक स्पेस होता तो 11000 फिल करते हैं। बातें समझ में आ रही है? यस सर। बेटा जी अभी ऐसे ही सारे के ही सारे पॉइंट आते रहते तो आप लोग कर लोगे। जैसे मान लीजिए आपको ए नंबर आप लोग आंसर देंगे इसका, लेट से कह रहे हैं 2335 और 50 मोर देन 7333, बस इतना ही करना है मोर देन। तो क्या करना है इसमें, इस लैंग्वेज का मीन क्या हुआ, आपको ऐड कर देना है 2350 किसमें ऐड करोगे, 7333 में ऐड कर देंगे, टोटल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कितना मोर है ये 9680। यस बेटा 9680, गुड बेटा 9600, व्हाट बेटा 9683 होगा ना बेटा, 83 होगा, 83 आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसमें लेट्स से 60,000 लेस देन 1 लाख, लेस देन 1 लाख। अब आपको क्लियर होना चाहिए 1 लाख राइट कैसे करते, नहीं तो आप लैंग्वेज में ही फंस जाओगे है ना। डिजिट में राइट करना तो आप लोगों को पहले ही बताया गया है भाई कैसे करेंगे, 1 लाख में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है 60,000, तो आप 1 लाख राइट करेंगे 1 after 5 0, यही तो 1 लाख होता है, सॉरी 1 लाख मीन्स 1 after 5 0, ये आपका 1 लाख। इसमें से माइनस कितना करना है 60,000, तो माइनस करेंगे कितना 40,000, माइनस करेंगे तो 60,000 आएगा, तो कितना भाई यहाँ 0 माइनस 0 ये 4 0 0, 10 माइनस 6 4, कहने का मतलब क्या होगा 40,000, कितना आंसर आ जाएगा 40,000। ठीक है 40,000, गुड बेटा। तो आई होप ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ। अभी से रिलेटेड मैं होमवर्क आपको पुट करूंगा ऑन बोर्ड और उसको आपको सॉल्व करके रिप्रेजेंट करना रहेगा, ठीक है, करना रहेगा व्हाट्सएप। ये चीजें क्लियर है, ग्रेटेस्ट एनी डिजिट ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर की बात किया जाए तो आप कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। यस सर, आपको डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, है ना। यस सर। चलिए अब और कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। लेट्स से आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ, what is the successor, what is the that is successor, not S-U-S, what is the double C hota hai na successor mein ek saath, oh chalo theek hai, successor of ऐसे बताइए 4 times 9 is 9909 का सक्सेसर क्या होगा। सक्सेसर आप लोगों ने पढ़ा है ना, व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ 9999, इसका सक्सेसर क्या होगा 10,000। यस बेटा 10,000 इज द सक्सेसर ऑफ 9999। इसमें जब भी बात करते हैं सक्सेसर की तो क्या करेंगे, सक्सेसर निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप जो वैल्यू है जो डिजिट है उसी में प्लस वन करेंगे, उसमें प्लस वन कर देते हैं तो आंसर आ जाता है 10,000।
ठीक है, यहां से सक्सेसर के लिए आंसर कितना आएगा 10,000। आई होप इतनी पॉइंट क्लियर होगा। बात करते हैं प्रेडिसेसर की। प्रेडिसेसर की तो क्या होता है, प्रेडिसेसर होता है देखिए प्रेडिसेसर क्या होता है, प्रेडिसेसर होता है जब भी किसी नंबर का प्रेडिसेसर की बात किया जाए। लेट से आपसे कोई पूछता प्रेडिसेसर ऑफ, प्रेडिसेसर 1,000। बेटा प्रेडिसेसर ऑफ 1,000 की बात करें तो क्या बताओगे आप, 1,000 का प्रेडिसेसर 999 करना कैसे, बेटा प्रेडिसेसर निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें से माइनस वन कर देते हैं, जो नंबर होता है उसमें से माइनस वन करो प्रेडिसेसर फाइंड हो जाएगा। बेटा माइनस वन करेंगे तो कितना आ जाएगा 999, यानी आंसर इसका प्रेडिसेसर कितना होगा 999। ठीक है, ये तो बात हुई सक्सेसर और प्रेडिसेसर की। इसी से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स भी दिया जाता है, कभी कभी ऐसे करके दे दिया जाता है, एक तरफ नंबर, एक तरफ प्रेडिसेसर, एक तरफ सक्सेसर। चलो आप लोग यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, पॉइंट उनको आप लोग बताएंगे हैं? यस सर। एक तरफ नंबर, बीच में मान लीजिए नंबर राइट कर दे रहे हैं, यहां पे आपका नंबर हो जाएगा और यहां पे आपका प्रेडिसेसर। योर माइक्रोफोन इज, और ये आपका सक्सेसर। चलिए हो गया। लेट्स से आपको फिल इन द ब्लैंक, यानी यहां पे ब्लैंक को फिल करना है, तो यहाँ पे प्रेडिसेसर की वैल्यू दे दी गई, मान लेते हैं टू फाइव सिक्स फोर। विजिबल नहीं हो रहा, क्लियर नहीं, नहीं क्लियर नहीं हो पा रहा ना। चलिए टू फाइव सिक्स फोर आपको नंबर सक्सेसर दोनों चीजें कंफर्म करनी है। नंबर बताना पहले, क्या करेंगे नंबर बताना, तो प्रेडिसेसर अगर पता हो तो नंबर कैसे निकालेंगे। अगर आपको प्रेडिसेसर प्लस इस वैल्यू में प्लस वन कर देते हैं नंबर आ जाएगा, इस वैल्यू में प्लस वन कर देते हैं नंबर आ जाएगा। म्यूट कर लीजिए जहां से वॉइस आ रही है। इस वैल्यू में प्लस वन कर देते हैं प्रेडिसेसर में प्लस वन कर दीजिए नंबर, नंबर में प्लस वन कर देंगे सक्सेसर। बात क्लियर। अब मान लेते हैं 2564 का नंबर फाइंड करना, तो 2565 हो जाएगा प्लस वन करने पर, ये नंबर आएगा। अब बात करेंगे सक्सेसर, तो सक्सेसर इसमें भी प्लस वन कर दो भाई, 2566 ये सक्सेसर हो गया। तो बातें क्लियर है इतनी। अगर आपसे कभी कभी ऐसे ही ब्लैंक स्पेस मान लीजिए नंबर ना पूछा होता, इस स्पेस को ना पूछकर इसको कट कर दिया, प्रेडिसेसर दे दिया गया होता, सक्सेसर डायरेक्ट निकालना है 6,701 का सक्सेसर क्या होगा। नहीं, इफ द प्रेडिसेसर ऑफ अ नंबर इज 6,701, then what is the successor of that number? यानी किसी नंबर का predecessor 6,701 है, तो उसका successor क्या होगा? तो इसको direct successor निकालने के लिए क्या करोगे? 6,703। देखिए आप जानते हो, अगर सबसे पहले अगर नंबर निकालना होता तो प्लस वन करते थे, predecessor से पहले अगर नंबर की बात कर लें मतलब सक्सेसर से पहले, तो नंबर में निकालने के लिए हम क्या करते हैं प्लस वन करते हैं। सही है ना इतनी बात?
प्लस वन यहाँ करते थे नंबर से इसको करते तो प्लस वन और करते हैं, डायरेक्ट प्लस टू कर दो इसमें, प्रेडिसेसर में प्लस टू कर दिया जाए तो सक्सेस आ जाएगा, बात क्लियर। इसमें टू करोगे तो 6703 आ जाएगा, ठीक है 6703। ये अगर प्रेडिसेसर दिया है और वहां पे डायरेक्ट सक्सेस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब प्लस टू कर लेंगे, ठीक है। अब बात आती है सर नंबर दे दिया जाए प्रेडिसेसर सक्सेसर की बात करें तो बहुत इजी होता है, नंबर दे दिया गया मान लेते हैं यहाँ पे नंबर 4000, बेटा नंबर दे दिया गया 4000, इसका क्या करना है आपको नंबर से इसका सक्सेसर और प्रेडिसेसर फाइंड करना है, यदि 4000 का सक्सेसर और प्रेडिसेसर की बात कर लो तो क्या होगा सक्सेसर और प्रेडिसेसर, तो 4000 का सक्सेसर और प्रेडिसेसर निकालने के लिए आपको बहुत सिंपल सा वे है, जैसा आप प्रेडिसेसर निकालने के लिए माइनस वन करोगे इसमें से, नंबर माइनस वन इज इक्वल टू प्रेडिसेसर, यानी यहाँ पे 4000 में 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3999। यस बेटा अगर हम यहाँ से प्लस कर देते हैं तो क्या आ जाता है 1 प्लस करेंगे तो 4001 हो जाएगा, 4001। बात क्लियर? यस सर। तो आज आपने दो चीजें सीखी, सक्सेसर प्रेडिसेसर, फिल इन द ब्लैंक यानी मोर देन और लेस देन नंबर को फाइंड करना कैसे आप करते हैं, लेस देन की बात किया जाए तो माइनस कर देंगे उतना ही जितना लेस होगा, ठीक है, और मोर की बात करना है तो उतने ही प्लस कर देना जितना मोर करने की बात कर रहे हो, ठीक है। यस सर। इससे पहले कि हम लोगों ने एक्सपेंडेड फॉर्म वर्ड फॉर्म सॉरी एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म मीन स्टैंडर्ड फॉर्म, नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों ही सीखा था, लेट्स से ये क्या है मान लेते हैं, ये आपका पहले एक्सपेंडेड फॉर्म क्लियर कर देते हैं, एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं, ये 273542 ये कोई नंबर दिया गया है, अब इसको क्या करना है एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड करने के लिए इसके प्लेसिंग अकॉर्डिंग एक्सपेंड किया जाता है, लेट्स से यहाँ पे 2 है, ये कौन से प्लेस का डिजिट है 1, 10, 100, 1000, 10,000 लेट्स, तो 2 देन आफ्टर 50 1, 2, 3, 4, 5 नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर दैट जितने भी नंबर ऑफ डिजिट उतने जीरो इंक्रीज कर देते हैं, ये भी एक तरीका है, मतलब इसके बाद कितने 2 आफ्टर कितने जीरो कितने डिजिट 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ 50 इंक्रीज कर दिया, 2 के साइड कितने जीरो पुट करेंगे 5 प्लस करेंगे इसमें सर ये 7 के नेक्स्ट डिजिट 7 है तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने 4 क्योंकि इसके असाइड 4 डिजिट है, उसके बाद क्या आएगा 3 देन आफ्टर 30 देन आफ्टर 500 प्लस 400 प्लस 2 यूनिट प्लेस का डिजिट है तो 2 ही राइट किया जाएगा, यानी 2 ही राइट कर देंगे वन प्लेस डिजिट को, ठीक है। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म तो क्लियर है ना आप लोगों को, एनीबॉडी हैव डाउट यस सर यस सर फॉर दिस यस सर नो सर Yes, sir. Yes, sir. चले नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म करना होता है, लेट से हमें एक्सपेंड से स्टैंडर्ड फॉर्म में शो करना होता है, यहाँ पे दिया गया होता है आप इसको नंबर राइट करना है, तो ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है, राइट कैसे करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी शॉर्ट फॉर्म में, तो कैसे करेंगे शॉर्ट फॉर्म में कैसे करेंगे भाई, कैसे करते हैं आप नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर सॉरी नंबर ऑफ जीरो आफ्टर डिजिट कितने ये काउंट करते रहो, यहाँ कितने जीरो है 3 यहाँ कितने 2 यहाँ कितने 1 यहाँ कितने नथिंग मीन्स जीरो कुछ नहीं है वहां पे, तो यहाँ 30 है यहाँ 20 है यहाँ 10 है यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं है, यानी सिक्वेंस सही चल रहा है 3 2 डिसेंडिंग ऑर्डर में जीरो डिक्रीज कर रहे हैं सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में जीरो है
तो हम कह सकते हैं सर ये सीक्वेंस करेक्ट है, इसमें कहीं कुछ मिस नहीं कर रहा है। मिस नहीं कर रहा तो डिजिट को वैसे ही वन बाई वन करके ऐड कर दो, 5 देन आफ्टर 4 देन आफ्टर 2 देन आफ्टर 5, ये आ गया 5425। बेटा इतनी बातें क्लियर है? चलो अभी और बता देते, इससे रिलेटेड और पॉइंट दे रहे हैं आपको, कभी कभी ऐसे दे देता है। चलिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे। अब सेम एज इसको भी ऐसे ही करना है, इसमें नंबर ऑफ जीरो करते हैं, देखते काउंट करते हैं कितने हैं, 1 2 3 4, भाई इसमें नंबर ऑफ जीरो 4, इसमें 2 ही है, इसका मतलब एक चीज मिस कर रहा है। 4 आफ्टर क्या होता है, नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में सीक्वेंस होना चाहिए, यानी कंसेक्यूटिव नंबर होने चाहिए, यानी 40 देन आफ्टर 30 होना चाहिए था, लेकिन 30 वाला नहीं है ना, इसका मतलब उसके डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या होगी, वहां पे 0 होगी। यहाँ पे 10 है सही, यहाँ पे नथिंग है, तो इसका मतलब आप क्या करोगे, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, पहले बताइए स्टूडेंट मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? सर आ रही है सर, यस। तो अभी क्या राइट करना है, सबसे पहले हम 6 राइट करेंगे, ठीक है, 6 राइट कर लिया, यस सर। अब देखो 6 तो राइट कर लिया, उसके बाद कौन सा डिजिट होना चाहिए, 3 होना चाहिए क्या, नहीं, 3 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 के साइड में कितने जीरो चाहिए थे, 30, यहाँ 40 है ना, 1 2 3 4, 40 से उसके बाद कितने जीरो चाहिए, 30 चाहिए, लेकिन यहाँ 2 ही 0, इसका मतलब 30 वाला जो नंबर है वो नहीं है, 30 वाला नंबर नहीं है, इसका मतलब वहां 0 राइट करेंगे, क्या राइट करेंगे, 0। अब 00 की बात करें, 00 का डिजिट जो है वो क्या है, 3 है भाई, इसके साइड या 3 राइट कर लिया। अब सिंगल 0 वाले की बात करें तो 2 है, तो 2 राइट कर लो, और मतलब जिसके साइड में एक भी 0 नहीं वो 6 है, यानी ये फ्री डिजिट था, ठीक है, इंडिविजुअल डिजिट है, इसको ऐसे राइट करेंगे, यूनिट प्लेस करेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। बेटा क्यों ऐसा राइट किया, सचिन इतना लेट क्यों ज्वाइन करते हो आप लोग, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। लेफ्ट साइड से दिया होता 7, क्या राइट करेंगे आप लोग बताइए, चलिए आप लोग बताइए इसका क्या आंसर होगा, आंसर क्या होगा बताइए आप लोग, सर 7,03,000, सर आगे दिख नहीं रहा है, ऐसा क्यों नहीं दिख रहा है, सर 7,03,504, और लोग दीजिए, सर 73,000, सर 73,504 करेक्ट है, सर 73,504 होगा। और डिजिट वाइज कैसे राइट करेंगे ये बताइए, क्या क्या डिजिट राइट करेंगे, चलिए बताइए डिजिट वाइज सबसे पहले क्या राइट करेंगे, सर 7, 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
73504 बिकॉज यहाँ पे देखो डबल जीरो है और डबल जीरो के बाद सिंगल जीरो वाला डिजिट होना चाहिए था बट है नहीं यहाँ पे। डबल जीरो के बाद सिंगल जीरो वाला डिजिट नहीं है, इसका मतलब उसकी प्लेस वैल्यू की जो डिजिट होगी उसकी प्लेस वैल्यू वहाँ पे क्या होगी, जीरो होगी। जीरो होगी तो वहाँ जीरो इंसर्ट करेंगे नंबर में। अब नंबर को राइट करना होता तो क्या करते हैं भाई, नंबर को राइट करना है तो राइट करेंगे 73000 यानी देखो सेवन आफ्टर कितना, सेवन में कितने जीरो इंसर्ट किए गए थे, वन टू थ्री फोर, देन आफ्टर थ्री जीरो है तो इसका जो डिजिट होगा वही राइट करेंगे थ्री। उसके बाद डबल जीरो है फाइव पे तो फाइव राइट कर लीजिए, उसके बाद सिंगल जीरो वाला डिजिट है नहीं तो जीरो कर दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, एक यूनिट प्लेस का डिजिट है फोर उसको राइट करेंगे 73504, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया बेटा जी। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? यस सर। यस सर। चलिए तो बताइए क्या करेंगे। सर फाइव सिक्स थ्री जीरो टू नाइन, सही से फिर आंसर दीजिए। आंसर देने से पहले एक बार सही से देख लो क्या क्या राइट किया गया और राइट कर लो तब से बताओ। आपको करना क्या है, पहले नंबर ऑफ जीरो चेक कर लो कितने कितने हैं सीक्वेंस में है कि नहीं। जीरो जीरो जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में पुट किए गए हैं, वो भी कंसेक्यूटिव डिक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, मतलब एक 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 कम होना चाहिए तुरंत। वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है, उसके बाद फोर होना चाहिए तो वन टू थ्री फोर है, उसके बाद थ्री होना चाहिए थ्री भी है, उसके बाद टू होना चाहिए, क्या है टू, ऐसा देख लीजिए क्या राइट करेगा। अच्छा आंसर होता ही आप लोग सर फाइव सिक्स थ्री जीरो टू नाइन करेक्ट है, 100% करेक्ट है ठीक है, यही आंसर होगा। यस बेटा फाइव सिक्स थ्री जीरो टू नाइन, फाइव सिक्स थ्री जीरो नाइन नहीं, थ्री जीरो नाइन नहीं होगा, थ्री जीरो टू नाइन क्या, थ्री जीरो टू नाइन, थ्री जीरो टू नाइन करेंगे कैसे देखो, बात कर लें तो सबसे पहले इसमें डिजिट क्या राइट किया गया फाइव, तो फाइव राइट कर दिया। उसके बाद इसमें कितने जीरो थे फाइव में, वन टू थ्री फोर फाइव, अब इसके बाद फोर जीरो होने चाहिए तो फोर है तो वन टू थ्री फोर यानी सिक्स राइट करेंगे, क्या राइट करेंगे सिक्स। अब इसमें कितने जीरो होने चाहिए थ्री, वन टू थ्री थ्री जीरो है तो थ्री इसका डिजिट कॉपी करेंगे। अब थ्री आप तो कितने जीरो होने चाहिए थे टू, लेकिन टू जीरो वाला कोई डिजिट यहाँ पे लाइन नहीं कर रहा है, इट मीन्स यहाँ पे जीरो उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। अब टू आफ्टर क्या होता है सिंगल जीरो वाला, सिंगल जीरो वाला जीरो टू दिया है तो टू राइट कर लेंगे, उसके बाद यूनिट प्लेस की डिजिट है नाइन तो नाइन राइट करेंगे। इस तरह से आंसर हो जाएगा 5,63,029, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ठीक है। हमें प्लस क्या 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 किया था, हमने प्लस किया था 5 लाख प्लस 60,000 प्लस 3,000 प्लस 20 प्लस 9, ये आंसर आ गया 5,63,029। तो बेटा ये क्लियर है आप लोगों को? यस सर। यस सर। मेरी बात सुनिए, आप लोगों का होमवर्क मैं नोट डाउन कर दे रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग उसको करके शो करेंगे ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आपका होगा राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, सबसे पहले क्या करेंगे राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और हम बोलते हैं इसी को
सर बोर्ड नहीं दिख रहा है बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, थोड़ी देर बाद दिखने लगेगा। नहीं दिख रहा है दीदी? यस सर, अभी भी नहीं दिख रहा है। केवल आपको कि सारे लोगों को नहीं दिख रहा है? बेटा सारे लोगों को नहीं दिख रहा है क्या? सर दिख रहा है, दिख रहा है सर, अब दिख रहा है सर, अभी दिख रहा है। अभी देखिएगा बेटा जी, नेटवर्क इश्यू इसी वजह से नहीं दिख रहा है आपको, है ना? ये फोल्ड यहाँ पे इनको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। सॉरी, हाँ वही स्टैंडर्ड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म में, है ना? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म। और भी हम होमवर्क देने वाले हैं, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए और तेजी से कीजिए बेटा, क्योंकि अभी और टाइम नहीं है आप लोगों के पास, ठीक है? हमारे पास ओनली 3 मिनट्स हैं, उन 3 मिनट्स में और भी कुछ कर लेंगे। चलो सर, बोर्ड नहीं दिख रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ और क्लियर हो जाए यहाँ पे। नहीं दिख रहा, क्लियर हो रहा है बेटा? यस सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात बेटा, अगर सेशन कंप्लीट होता है तो होमवर्क के लिए हम फिर से रिज्वाइन करेंगे, ठीक है? होमवर्क रिज्वाइन कर लेंगे। कितना होता है ये तो ऊपर वाला उतार लो। चलिए ठीक है, मैं क्या करता हूँ, होमवर्क सेंड कर दे रहा हूँ व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है? होमवर्क सेंड कर दे रहा हूँ आपसे। सर अभी सर रुकिए, अभी नहीं, ग्रुप में मैं व्हाट्सएप के थ्रू होमवर्क सेंड कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारे जितने भी पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए, क्लियर है ना आप लोगों को? सर आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर, चाहे वो नंबर पता हो या नंबर से डायरेक्ट प्रेडिसेसर देकर सक्सेसर की बात करे, या सक्सेसर से प्रेडिसेसर की बात कर ले, नंबर से सक्सेसर और प्रेडिसेसर की बात करे, आपने सारी चीजें सीख लिया है ना? आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना, एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना, इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक सीखा, कैसे फिल इन द ब्लैंक हम मोर नंबर और लेस नंबर्स को भी राइट करना सीखी है। लेट से
1000 मोर देन स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, वहां पे बात किया गया था आपको क्या करना था, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर में 1000 प्लस कर देना मोर देन की बात करेगा तो, अगर लेस देन की बात करता है तो इट मीन्स वहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये सारे पॉइंट्स आपने सीखे हैं, ठीक है। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग क्लियर हो गए होंगे। इससे रिलेटेड होमवर्क अभी सेंड किया जाएगा आपके पास, ठीक है। तो आज के लिए ये सेशन कंप्लीट किया जा रहा है, नेक्स्ट से मीट करेंगे। ओके एवरीवन, यस सर, गुड बाय एवरीवन, गुड बाय सर, गुड बाय सर, गुड बाय सर, गुड बाय, बाय। Sir, excuse me. Yes, sir. Sir, please, sir, join.